अभी जा रहा हूँ मैं बंसल जी के यहाँ पे, बंसल जी के साथ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। और भाई आजकल पता नहीं क्या हो रखा है, धुंध आ रखी है पूरे पहाड़ों पे। सुबह भी ऐसे ही दिखा रहा था वहाँ से जहाँ पहाड़ी हाउस पे रुके थे, कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। बाइक मैंने दिल्ली सिक्स शॉप पे खड़ी कर दी है, अब बस बंसल जी का वेट कर रहा हूँ, वो आने वाले होंगे। फिलहाल देहरादून में आज ये माहौल है, धूप अच्छी खासी निकली हुई है, बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन माहौल है। गर्मियाँ आ चुकी हैं, ऑलमोस्ट आई गई हैं गर्मियाँ। जल्दी ये वाली रोड भी चौड़ी हो जाएगी, ये सारे पेड़ कट जाएंगे, फोर लेन हो जाएगी। ठीक है भाई, पेट्रोल यूनिवर्सिटी पे आ गए थे आज, काफ़ी देर यहाँ 4-5 घंटे बैठे रहे, वापस जा रहे हैं। बस बंसल भाई की गाड़ी लेके आ गए थे मैं और छोटे भाई, बंसल भाई तो वहीं पे रुक गए थे अपने ऑफिस में। तो भाई 7:30-8 बज गए, ये बंसल जी का ऑफिस है कंप्यूटर का, बस अब जा रहे हैं इनके घर में बैठ के घर की तरफ। देहरादून क्लॉक टावर, पूरे 8 बज चुके हैं, 8 घंटे बजेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। फिलहाल ये सीन है यहाँ पे पहाड़ों पे, और अभी जा रहा हूँ साइकिलिंग करने। और अभी मैंने एक केला खाया, तो पता उसका छिलका मेरे पास था, तो मैंने वैसे इसके सामने कर दिया, वो भी खा गया, केले का छिलका भी खा गया सारा। चलो मान लो, ये देखो कैसे बैठा है यहाँ पे। स्टार्ट साइकिलिंग। ये वाला एरिया देखो कितना प्यारा है, कितना शांत है, कितना नीट एंड क्लीन है, क्या व्यू आ रहा है। ये है अस्थल विलेज, और काफी सारी चिड़ियाएं भी हैं जो बोलती रहती है हमेशा। ये देखो यहाँ पे कहाँ पर बोल रही है, इस पेड़ पर है। साइकिलिंग करते हुए रास्ते में ये दुकान पड़ती है भंडारी जी की, बाइक क्राफ्ट। तो कल उसने ना, उस लड़के ने जिससे मैंने ठीक कराया, तो उसने चैन सेट चेंज कर दिया, 7 वाला लगा दिया है, स्टैंड भी बड़ा कर दिया। मैं यहाँ पे चेक करा रहा था, बस कंफर्म करा रहा था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। फिलहाल सब कुछ ठीक है, अभी इसको ऐसे ही चलाते हैं। साइकिलिंग करते करते यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, काफ़ी शांत माहौल। आज लोग भी कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कोई नहीं दिख रहा। सो बैक टू होम, और अभी फिलहाल ये नजारा यहां से, येलो ब्रेड लाया, और शायद यहां पे मावा निकल रहा होली के लिए। आज 16 तारीख है, बस अब परसों, कल और परसों त्यौहार है। सो गाइस बैक टू होम, पूरा स्वेटिंग देखो, पूरा गीले हो चुके हैं कपड़े, और मज़ा आ गया। सुबह मतलब पूरा एक्सरसाइज करके, 1.5 घंटा साइकिलिंग करके, अभी 15 किलोमीटर साइकिलिंग चला दी है मैंने, तो पूरा डिटॉक्सीफाई रिजनरेट हो जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता पूरा दिन। इसकी तो बस आदत सी पड़ चुकी है अब। क्या बन रहा है, सैंडविच बन गए, जो क्या है केक इसका। हाँ ये बढ़िया किस्म का रहा, बनाना शेक। अच्छा इसमें बना रही क्या, ये कहाँ से आया लाई। अच्छा मैं बस एडिटिंग कर ही रहा था कि मुझे गर्मी लग रही, तो क्या कि पिछले साल ना लगातार बारिश होती रही, गर्मी पड़ी नहीं, ना पिछले साल ना पिछले से पिछले साल, और पिछले साल तो मैंने पंखा भी नहीं चलाया गर्मी में, चाहे अप्रैल हो मई हो, लेकिन अभी मार्च चल रहा है और मार्च में ही मतलब गर्मी लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि पंखा चला लूँ। इस बार मौसम बहुत अलग होने वाला भाई। दोपहर के 3:15 बज रहे हैं, और आज की भी वीडियो एडिटिंग हो चुकी है, जल्दी इसको अपलोड कर दूंगा। और इधर मम्मी बना रही है गुंजिया, ये कपड़ा हटा के लाओ, मैं भी बनवाऊं, ये डब्बे पे डब है, इस पे भी डब दूं। हां चलो बताओ कैसे कैसे बनवानी है। फिर ये थोड़ा सा ये लगाओ इसमें,
गीला मैदा आटा दो है ना ये तो इसमें बनानी है वैसे रखनी है आप मुझे बना बना के देती रहो रोटी बना के दे दूंगी मैं ये क्या लगा रही है इसमें मैदा हाँ नहीं ये क्या इसमें क्या लग रहा है पानी सा ये आटा लग रहा है ना उसमें घोल के जिससे ये चिपक जाए चलो बनाओ ऐसे करेंगे बन गई कुंजिया चलो भाई बहुत अच्छा ये क्या बना रही हो ये तो मैदा जो बच गया अच्छा मटड़ी कौन सी खा के देखूं दीदी आपकी फीकी चाय बनाऊं दीदी कौन सी खाऊं ये तो खाली सी लग रही कोई सी भी खा ले चिट्टी भी आ गई चिट्टी हटा दे 6:30 बज गए क्या हो रहा धुंध धुंध सी कैसी हो रही है मसूरी तो दिख भी नहीं रही कुछ भी नहीं दिख रहा ऐसा वैसे बहुत कम होता है कि इस तरह की धुंध आ जाए पहाड़ों पे और बहुत रेयरली देखने को मिलता है शाम के समय तो बहुत क्लियर हो जाता है इसलिए पता है वहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है जहाँ से सनसेट होता है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है घर के पास ही मैं वहाँ भी नहीं गया आज क्योंकि मुझे पता है कि इतना मज़ा नहीं आने वाला और फिलहाल भाई है माहौल है घर के पास ये पूरी पैसिफिक गोल्फ की बिल्डिंग के साथ 7:30 हो रहे हैं और घर पर कुछ ऐसा नहीं बना हुआ कि जो मैं खा लूँ दोपहर आलू बने हुए थे तो अभी सोच रहा हूँ ये मार्केट में चला जाऊँ पास में है तो साउथ इंडियन खा लेता हूँ या फिर शायद अगर वो नए वाला रेस्टोरेंट जिसमें राजस्थानी थीम थी वो चल गया हुआ तो वहाँ पे चलता हूँ चलिए मेरे साथ चलते हैं मैं तो बाइक की चाबी लेके आ गया था नीचे आया तो ध्यान आया कि साइकिल भी खड़ी है क्यों ना साइकिल से जाया जाए चलो साइकिल से चलते हैं आज तो आज ट्राई करेंगे पालक इडली बैक टू होम आज सिर्फ इडली खाइए बस और ज़्यादा नहीं आ गए बाय यहीं कर दो मामा जी आए हैं सूट के बाबा विकास भी आया है मिठाई आई है सरसावा से बहुत जोर की The next day. देहरादून और आज पहली बार ऐसा हुआ गर्मी में किस तरह का मौसम हो रहा है पूरा फोग आया हुआ है मुझे नहीं पता ये कैसा फोग है मौसम भी बिल्कुल क्लियर है कोई बारिश वारिश कहीं नहीं है और इस टाइम तक सूरज निकल जाना चाहिए था लेकिन सूरज निकल नहीं पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा फोग है ये माई लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहा है रास्ते में ये माई लोग क्या कर रहा है यहाँ पे सुबह ही सुबह माई लोग क्या कर रहा है गिर जाएगा हमारे यहाँ पे कलसन केव है ल्हासा तिब्बत किचन मैं कभी गया नहीं इसमें ल्हासा तिब्बत किचन में यहाँ पे तिब्बती लोग काफी जो कि मॉर्निंग वॉक करते रहते हैं इतनी प्यारी है कि रिकॉर्ड करने का मन करता है जैसे कि ये वाला कॉर्नर बहुत अच्छा लगता है यहाँ से देखना कितना प्यारा लगता है वाओ एक ये रोड है जो कि सबसे सुंदर है यहाँ पे तो इसको मैं हमेशा रिकॉर्ड करता हूँ इसको मिस नहीं करता मैं कभी भी आज देखो जंगल कैसा लग रहा है अजीब सा डार्क लग रहा है क्योंकि आज सूरज तेज नहीं है ना आज धुंध है तो इस वजह से है ना आज जंगल डार्क लग रहा है मुझे जंगल खूबसूरत तभी लगता है जब धूप निकलती है तभी कॉर्बेट और राजा जी में घूमने का मजा आता है सूरज भी आज चांद की तरह दिख रहा है ब्रिज पे पहुंच चुका हूँ ये एरिया भी मुझे काफी अच्छा लगता है वाह सिंबल का पेड़ सबसे ज्यादा साइकिलिंग होती है तो इस रोड पे होती है बैक टू होम और अभी भाई अब तो और भी ज्यादा फोग हो गया पहाड़ों पे बना दियो क्या बना रही हो आज आलू के पराठे इसमें क्या है बनाना से एक तो पपाया ये मेरा है ना चलो चलो कोई नहीं बना दियो पहले तो आज है 17 मार्च और अभी जोनी भाई का फोन आया था कि वो ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं तो उनका प्लान ये है कि 4-5 दिन ऋषिकेश रहेंगे होली भी वहीं मनाएंगे आज शाम को होली का दहन है और कल होली है रंग वाली होली तो फिलहाल मेरा सीन ये है कि मैं अभी बस नाश्ता करके फिर निकलता हूँ धीरे धीरे लाइव लोकेशन उनके साथ शेयर है तो जैसे ही वो मार्केट पहुँचेंगे ऋषिकेश तो मैं भी वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और अभी रूम वगैरह का मालूम करना जैसे कि ऋषिकेश पूरा फुल हो चुका है टूरिस्ट से और हिलों पर वगैरह सब फुल है
और जो ओने कोने में कमरे हैं जैसे कि वो नटराज योगपीठ वगैरह, तो वहाँ मैं फ़ोन कर लेता हूँ मुकेश भाई से, अगर वो अवेलेबल होगा तो वहाँ पे रुक जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कैंप लेकर चला जाऊँ इस बार, ये स्लीपिंग बैग है, ये कैंप है, अभी वहीं पे कैंपिंग कर लेंगे। शाम को एक बार उनसे पूछ लूँगा, राहुल भाई से, कि क्या सीन है। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार ना ये स्लीपिंग बैग और कैंप वगैरह लेकर चला जाऊँ, क्योंकि इस बार मौका मिल जाएगा कहीं ना कहीं नदी किनारे या जंगल में रुकने का राहुल भाई के साथ, डेरा इन वगैरह में कैंपिंग कर लेंगे। हो गया और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ देहरादून से। जोनी भाई तो हरिद्वार पहुँच गए और वहाँ से ऋषिकेश के लिए भी चल दिए हैं। अब देखते हैं कि मैं ऋषिकेश उनसे पहले पहुँचूंगा या वो, जहाँ तक वही मुझसे पहले पहुँच जाएंगे उनको वेट करना पड़ेगा वहाँ पे। बाय टू से माई साइकिल, मिलते हैं होली के बाद। ऋषिकेश निकल चुका हूँ